जी अस्सलाम वालेकुम, एम साई खान फ्रॉम पाकिस्तान, और आप देख रहे हैं SGT टू मलेशिया जॉब। और दो दोस्तों के मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आया है कि सैफी भाई, मलेशिया में कौन सी वैक्सीन एक्सेप्टेबल है जिस पे हम ट्रैवल कर सकते हैं पाकिस्तान से। तो जी हाँ, वो जो लड़के हैं वो गुजरा वाले से हैं, कामू की शायद प्लेस का नाम है, तो एक लड़के का नाम रिजवान है और इस तरह का कुछ है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो मेरे न्यू चैनल पर आने वाले हैं, काइंडली वो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे प्रेस कर दें ताकि हर नई वीडियो आने वाली आपके पास पहुंच सके। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने लास्ट टाइम भी वीडियो बनाई थी तो उसमें भी मैंने बताया था, तो जो पाकिस्तान से आप मलेशिया ट्रेवल करते हैं तो जो वैक्सीन एक्सेप्टेबल है उनका मैं नाम आपको बता देता हूँ। फाइजर वो एक्सेप्टेबल है, साइनोवैक वो भी आप एक्सेप्टेबल है, साइनोफार्म, एस्ट्राजेनेका ये जो है ना ये मलेशिया में एक्सेप्टेबल है। ये आपकी अगर डबल डोज लगी हुई है तो इस पे आप ट्रैवल कर सकते हैं, और वहाँ पर जब आप ट्रैवल करेंगे कुआलालंपुर पे, आप तो डायरेक्ट फ्लाइट हो रही है ना, तो आपको अभी क्वारंटाइन करने की ज़रूरत नहीं है। जिसको ये वाली वैक्सीन लगी होगी, फाइजर, साइनोफार्म, साइनोवैक, एस्ट्राजेनेका, ये चारों वैक्सीन एक्सेप्टेबल हैं, ठीक है, इस पर आप ट्रैवल कर सकते हैं, इस पर आपको क्वारंटाइन करने की ज़रूरत नहीं है। और एक और कमेंट भी आया हुआ था मुझे, वो पूछ रहे थे कि बूस्टर डोज़ भी अभी लगी होनी ज़रूरी है या नहीं लगी होनी ज़रूरी है। बूस्टर डोज़ आप लगवा लें तो भी आपकी मर्ज़ी है, उसमें बेनिफिट है, ठीक है, और अगर नहीं लगवाएंगे तो कोई इशू नहीं है, उस पर भी आपको क्वारंटाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो डबल डोज है ना, एस्ट्राजेनेका, फाइजर, साइनोफार्म, साइनोवैक, ये फुली वैक्सीनेटेड में आ जाते हैं, ठीक है, इसमें आप फुली वैक्सीनेटेड हो जाते हो। यहाँ इसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए कि आपको लगी है, ठीक है। तो इसके अलावा भी किसी भाई को और कुछ भी पूछना हो वो मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकता है या नीचे मुझे कमेंट कर सकता है यूट्यूब पे, SGT टू मलेशिया जॉब पे। तो इंस्टाग्राम का नाम है सैफुरमान ऑफिशियल वन, या आप लिखेंगे ना सैफ सरगोदा तो भी इंस्टाग्राम आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।